और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं खेल के जगत से आने वाली एक बहुत ही शांतिमय और एक रिलैक्सिंग और एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। आईपीएल के मुकाबले मुंबई में कराने की तैयारी हो रही है। कोरोना की वजह से एक ही शहर में मैच कराए जा सकते हैं, बीसीसीआई जल्द घोषणा की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। आज ज्यादातर संख्या देश के अंदर अपने घरों में बंद है और इस सिचुएशन में आईपीएल के मैच काफी रिलैक्सिंग हो सकते हैं। और इसी के चलते आप भी बताइएगा कि क्या आईपीएल के मैच होना आपको रिलैक्स करता है या फिर इस सिचुएशन में आईपीएल के मैच नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का जाहिर कीजिएगा। फिलहाल आईपीएल के 29 मैच हो चुके हैं, 31 बाकी हैं और इन सभी सिचुएशंस के बीच जो अब तक मैच हुए हैं वो चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में हुए हैं। और आईपीएल के भी 7 से 8 खिलाड़ी बताए जाते हैं कि कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी तस्वीरें भी दैनिक भास्कर ने आपके सामने रखी हैं। दैनिक भास्कर ने बताया है कि नीतीश राणा, देवदत्त पड़िक्कल, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर, डैनियल सैम्स, एनरिक नखरिया भी इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आईपीएल की न्यूज और इसके बाद भी आईपीएल की जो न्यूज है वो भी आपको बता देते हैं। हैदराबाद के लिए करो या मरो की स्थिति है। मुंबई जीती तो टॉप 3 में होगी और आपको बताना जरूरी है कि आपके लिए यहां पर रिलैक्सिंग है आईपीएल होना या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैदराबाद के खिलाफ मुंबई का सक्सेस रेट 53% है और इसी के चलते मुंबई इंडियंस की ज्यादा एक सिचुएशन अच्छी बन रही है और यहां पर जो हैदराबाद की सिचुएशन है वो काफी एक टफ है, क्योंकि अगर यहां पर वो हार जाती है तो बाहर हो जाएगी, करो या मरो की स्थिति है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हैदराबाद जीतेगी या फिर मुंबई इंडियंस जीतेगी? हमारा तो एक लोक है, मुंबई इंडियंस ही जीतेगी। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना देश में। एक हफ्ते में 15% केस और 41% मौतें बढ़ी हैं सिर्फ एक हफ्ते में। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3.18 लाख लोग ठीक हुए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि 3,18,000 लोगों ने एक दिन में कोरोना को हरा दिया है। लगातार तीसरे दिन भी नए मामलों में कमी आई है, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आज आपको सुनने को मिल रही है। भारत ब्राजील छोड़कर टॉप 10 देशों में अब केस घटने लगे हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होने के कारण वहां पर लोगों को वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी लग गई है, जिस कारण से दुनिया के टॉप देशों में केस घटने लगे हैं। आपके दिमाग में ये बातें होंगी कि भारत, ब्राजील और इसी के साथ दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर केस कम हो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर क्यों बढ़ रहे हैं? आज भारत के पास वैक्सीन भी है, फिर भी सब कुछ लेट हो रहा है और केस बढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के अंदर डबल म्यूटेंट का आना और इसी के साथ लोगों को वैक्सीन बहुत देरी से लगना। हालांकि जरूर यहां पर भारत की सरकार को कोसने वाले लोग बहुत हैं। वो कहते हैं कि मोदी की रैली के कारण कोरोना फैला, लेकिन उन मदरसा छाप और उन सड़क छाप लोगों को कौन बताए कि ये मोदी की रैली से नहीं फैला है बल्कि लोगों की गलतियों से फैला है। अगर वो मास्क डालते तो वो इस तरीके से कोरोना को एक से लेकर दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैला रहे होते। और जहां तक बात है वैक्सीन की, तो वैक्सीन तो दुनिया में सबसे तेज गति से 15 करोड़ लोगों को भी ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन का टीका लग चुका है। और ये जो जिन छोटे छोटे देशों में कोरोना वायरस के केसेस घट रहे हैं, ये वो देश हैं जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन इन छोटी सी आबादी वाले देशों को लग चुकी है, जिस कारण से वहां पर केस कम हो रहे हैं। लेकिन इन मामलों में भारत की सरकार को कोसना जायज नहीं है, क्योंकि आपके देश की आबादी 140 करोड़ की है और यह कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को इतनी जल्दी और इतनी बड़ी अमाउंट में एक वैक्सीनेशन लगाई जा सके। और इसी के चलते लोगों ने जो मास्क उतारे हैं ना, उस वजह से कोरोना फैला है, मोदी की रैली से कोरोना नहीं फैला है। यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और वैसे भी मोदी ने रैली नहीं की है, राहुल गांधी ने भी रैली की है, दीदी और दीदी ने भी रैली की है और इसी के साथ सभी पार्टियों ने रैली की है। अकेले मोदी के सिर पे बट्ठा फोड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए उन नेताओं को। तो दोस्तों, यह है सिचुएशन। महाराष्ट्र में अच्छी खबर आई है, 63,000 केस आ रहे थे, 48,700 केस आए हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग न्यूज है महाराष्ट्र के लिए। इसी के अलावा केरल में 21,000, कर्नाटका में 29,000, दिल्ली में 20,000 और राजस्थान में 16,000, तेलंगाना में 6,500, हरियाणा में 11,504 और पंजाब में 6,276, बिहार में 11,801 और यूपी की जो बात है 33,551 केस आए हैं। और इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है
तेल के दामों से। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और इसके ऊपर भी प्रोपोगेंडा गैंग हमारी मोदी सरकार को कोसने बैठेगी। लेकिन उन मदरसा छाप सड़क छाप लोगों को कौन बताए कि इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार नहीं है। देश के अंदर जो लॉकडाउन लगा है वो जिम्मेवार है। सरकार की कमाइयां आधी हो गई है, आखिरकार सरकार कमाई कहां से करे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 101 रुपए पर पहुंच गया है पेट्रोल के दाम। इस साल तेल के दाम में 27 बार बढ़ोतरी हुई है, जो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि जान लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के क्या दाम है। श्री गंगानगर 101 रुपए लीटर चल रहा है, जहां पर श्री गंगानगर के ही पेट्रोल पंपों पर जो हमारे मोदी जी की मिमिक्री करते हैं श्याम रंगीला जी, उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई थी। हालांकि जरूर व्यंग्यात्मक वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना आज इस क्राइसिस में बहुत रियल भी है, क्योंकि आज देश को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत होती ही है। दिल्ली में 90 रुपए पहुंच गया है, जयपुर में 96 रुपए, मुंबई में 96 रुपए, भोपाल में 98 और परभणी में 99 रुपए लीटर तक दाम पहुंच गए हैं। हालांकि डीजल भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। श्रीगंगानगर में 93 रुपए, अनूपनगर में 91 रुपए, भोपाल में 89 रुपए, मुंबई में 89, जयपुर में 87 और दिल्ली में 80 रुपए। वैसे जो एक सिचुएशन है दिल्ली में, इस साल पेट्रोल की कीमतें 6 रुपये और 6.79 रुपये डीजल महंगा हुआ है और सिचुएशन और आंकड़े आपके सामने ही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जो है बंगाल से। टीएमसी ने सीटों ही नहीं बल्कि वोट शेयर के लिहाज से भी 2016 से बेहतर प्रदर्शन किया है। भाजपा का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 2.5% घट चुका है। हालांकि यहां पर आपके लिए जानकारी के लिए बताएं कि केंद्र में तो आएगा मोदी ही, लेकिन राज्यों में और क्षेत्रीय नेताओं पर मोहर लगा रही है जनता। बंगाल में तृणमूल तो तमिलनाडु में द्रमुक को वोट शेयर बढ़ा है। जहां सत्ता में लौटी है बंगाल की पार्टी, उस असम में भी भाजपा का वोट शेयर घटा है, लेकिन फिर भी भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त के साथ अपनी सरकार असम में बना ली है दूसरी बार। कांग्रेस का वोट शेयर हर राज्य में घटा है। कांग्रेस के लिए तो डूब मरने की बात है, इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं हुई थी। लगभग सफाया हो गया है कांग्रेस का। लेफ्ट को बंगाल में हुआ है नुकसान, तो केरल में उसने उसकी अच्छी भरपाई की है। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी रिकॉर्ड एक अपना एक प्रदर्शन किया है इस इलेक्शन में। कोरोना वायरस में इन्होंने अच्छी एक संभाल की थी केरल की, और लोगों को ऑक्सीजन सही समय पर मिली है। बहुत स्टॉक है ऑक्सीजन का केरल में, जिस कारण से इन्हें जनता ने चुना है। कोरोना का भी बहुत इफेक्ट देखा गया है चुनाव में। बंगाल में लोकसभा के मुकाबले भाजपा का वोट शेयर 2.5% घटा है, यानी कि जो केंद्र में सरकारें बननी थी उसमें बंगाल को भाजपा को अच्छे वोट आए थे, लेकिन जो एक ओवरऑल सीएम का चुनाव होना था वहां पर एक वोट शेयर 2.5% घट गया है। लेकिन फिर भी बंगाल में मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर है। हालांकि कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों के कारण यहां पर बीजेपी हार गई, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू वोटर बंगाल में बहुत हैं, 60% के आसपास बताए जाते हैं, लेकिन उन सभी वजहों के बीच भी 60% के ज़्यादा हिंदू वोटर हैं, और उस हिंदू वोटरों ने ही भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल भाजपा के लिए कोई यहाँ पर एक बुरी खबर नहीं है यहाँ पर टीएमसी से हारना। ममता जरूर तीसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन ममता के लिए आसान नहीं होने वाला है बीजेपी जैसे मजबूत विपक्ष का सामना करना। हालांकि तकरारें बढ़ गई हैं, टीएमसी कह रही है हमारे नेताओं पर हमला हो रहा है, बीजेपी कह रही है हमारे नेताओं पर हमला हो रहा है, और यहाँ पर सिचुएशन बंगाल के अंदर इस तरीके की जो बनी है ये वाकई में ही बहुत खतरनाक है। हालांकि किसी भी तरीके से जो टीएमसी की नेता है ममता बनर्जी अपने राज्य में हिंसा को नहीं रोक सकी हैं, हिंसा के मामले में टीएमसी बनर्जी ममता बनर्जी की कोई भी नहीं सुनता है, और यही कारण है कि यहाँ पर एक हालात बहुत ही दयनीय होने वाले हैं बंगाल के अंदर। और इसलिए हमारी कंगना रनौत ने कहा था कि बंगाल अब कश्मीर बन चुका है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत को सल्यूट किया है जी। अमेरिकन प्रोफेसर बोले हैं दुनिया को आज तक जितनी वैक्सीन मिली है ना वो भारत के कारण मिली है। यहाँ के लोगों ने तमाम अत्याचारों के बावजूद पूरी दुनिया की मदद की है, जो अपने आप में भारत को सल्यूट करने जैसा है। और दैनिक भास्कर ने बताया है प्रोफेसर जेसी बंप
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने उन्होंने ये सभी बातें बोली हैं। लेकिन ये बातें आज भारत में रह रहे उन बुद्धिजीवी और प्रोपोगेंडा गैंग को नहीं दिखती जो ये कह रहे थे कि भारत वैक्सीन का एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, लोगों को वैक्सीन क्यों दे रहा है, अपने लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहा है। और यहाँ पर ये एक विदेशी जो आज अमेरिकी प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत को सल्यूट मार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नॉलेज और वेस्टर्न सुप्रीम के नाम पर भारतीय लोगों के साथ बड़े पैमाने पर मेडिकल क्राइम हुए हैं, यहीं से पूरी दुनिया ने वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना और वैक्सीन बांटना सीखा है। यानी कि भारत ने सिखाया है दुनिया को कि वैक्सीन कैसे बांटी जाती है। अमेरिका जैसे देश जो अपनी आबादी को 3 बार टीका लगा सकते हैं लेकिन एक भी वैक्सीन का एक्सपोर्ट उसने अभी तक नहीं किया है। यूनिसेफ आज भी भारतीय पैटर्न पर काम कर रहा है। यूनिसेफ बहुत बड़ी संस्था है जिसके ऊपर आज भारत ने जिस तरीके से वैक्सीनेटेड किया है अपने लोगों को, उसी के कारण यूनिसेफ भी भारतीय पैटर्न पर काम कर रहा है। आज तक दुनिया को जो भी वैक्सीन मिल पाई है इसके लिए हम सभी को भारत का शुक्रिया करना चाहिए, ये कहना है प्रोफेसर जेसी बंप का। वाकई में ही बहुत दिलदार लोग होते हैं जो भारत की तारीफ पूरी दुनिया में करते हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये आज खबर प्रोपोगेंडा चलाने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचे के जैसा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिकी टीके को जल्द मंजूरी देने की मांग उठ रही है। फाइजर अमेरिकी कंपनी फाइजर ने मोदी सरकार से वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। भारत को फाइजर कंपनी 517 करोड़ रुपए की दवाइयां भी दान करने की बातें बोल रही है। लेकिन फाइजर की दवाई को एक अप्रूवल तो दे दें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका -70 डिग्री सेल्सियस तक एक टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और भारत की आबादी करोड़ों में है और इस सिचुएशन में -70 डिग्री का टेम्परेचर यहां पर नहीं बन सकता है, जिस कारण से इस सिचुएशन में मंजूरी देने में बहुत असमंजस की स्थिति बन रही है। लेकिन सरकार इस पर गौर कर रही है, बहुत जल्द एक अच्छे अंजाम पर भी पहुंचेगी। लेकिन फाइजर ने 517 करोड़ रुपए दवाइयां दान में की है वो वाकई में ही एक अच्छा मैसेज दे रही है फाइजर। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो भारत ब्रिटेन के वर्चुअल समिट से, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन से अलग होकर ब्रिटेन भारत के और भी करीब हो गया है और ब्रिटेन के लिए मजबूरी भी है कि भारत की मदद को वो ज्यादा से ज्यादा कर सके, क्योंकि ब्रिटेन आज यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। तो इस किसी की सिचुएशन में दुनिया की सबसे ज्यादा दूसरी आबादी वाला देश भारत देश के साथ अगर उसने व्यापार बढ़ाना है तो वो भारत को हर संभव मदद करेगा। यूरोपियन यूनियन से अलग ब्रिटेन को आज मजबूरी भी है कि भारत के साथ वो हर मुश्किल की घड़ी में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज ब्रिटेन भारत की मदद नहीं करता है तो ब्रिटेन तो पहले ही चीन से लड़ चुका है और चीन के साथ ब्रिटेन दो दो हाथ वाली स्थिति में है। और इस सिचुएशन में अगर ब्रिटेन भारत की मार्केट को भी खो देता है, भारत की भी मदद नहीं करता है, तो ना तो वो ट्रेड दुनिया के देशों से कर सकेगा और ना ही दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में अपना सामान बेच सकेगा। यही कारण है कि ब्रिटेन की सरकार भारत के प्रति बहुत ही अच्छा रवैया अपना रही है और ब्रिटेन के एम्बेसडर एलेक्स हिल्स भी बहुत अच्छी बातें रोजाना हिंदी में करते ही हैं। आपको वो पता ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम जॉनसन आज शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। कोरोना के बीच सहयोग पर चर्चा होने वाली है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम 1000 से भी ज्यादा वेंटिलेटर आपको देने वाले हैं और इन सभी सिचुएशन में बहुत जल्द आपके लिए मदद हम तैयार करने वाले हैं। वर्चुअल समिट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2030 का रोडमैप देख रहे हैं। दुनिया के अंदर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भारत को आगे लेकर चल रही हैं और भारत को सुपर पावर बनाने के लिए ये सभी देश काम करने वाले हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है, युवा दिखा रहे हैं समझदारी। 45+ वालों ने जो ढिलाई बरती उससे अलग 18+ वालों के वैक्सीन प्रोग्राम में गजब का उत्साह देखने को मिला है। जी गजब का उत्साह दोस्तों, 18+ वाले लोगों के ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो रजिस्ट्रेशन के बाद 3 से 5 मिनट में सेंटर बुक हो रहा है, ये इतने शॉर्ट समय में हो रहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वालों का नंबर लेट हो रहा है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में 18+ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वैक्सीनेशन के लिए और इन सभी बातों के बीच एक बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला है 18+ लोगों के अंदर। हालांकि पहले दिन 14 सेंटरों पर 446 लोग ही आए थे, ज़्यादातर फ़ोन करने पर आए थे, लेकिन जो कि कुल करीब 1000 रजिस्ट्रेशन का 13% था। लेकिन दूसरे दिन यही संख्या 4876 तक पहुंची। तीसरे दिन तो सेंटर पर और लाइनें नजर आईं। अभी 18+ वालों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन सेशन अलाट हो रहा है। लेकिन 45+ वालों के लिए क्या सिचुएशन थी कि 45+ वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता था वैक्सीनेशन के अंदर कि हाँ भैया आपकी वैक्सीन लग रही है, लगवा लो।
लेकिन फिर भी 45 प्लस वालों के समय कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी, जिस वजह से वो उनकी ढिलाई थी। लेकिन अब कोरोना की लहर आई है और युवाओं पर ज़्यादा असर है, तो युवा दौड़ उठे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। और अब तो आज का युवा, पहले की जो लहर आई थी तब वैक्सीनेशन लग रही थी तो युवाओं को पता नहीं था कहाँ पर वैक्सीन लग रही है, लेकिन आज तो युवा बिल्कुल जानते हैं अपने शहर के अंदर कि कहां पर वैक्सीनेशन के सेंटर है और वो वहां जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि 18 से 44 वालों का गणित भी आप समझ लीजिए, 30,50,831 लोग इस एज ग्रुप में शामिल हैं। 40,000 वैक्सीन डोज आई हैं। अब सेंटर से आने वाली वैक्सीन पर निर्भर करेगा कि प्रोग्राम कब तक चलेगा। और इसी के अलावा 11,058 के लोगों को वैक्सीन हुआ है 3 दिन में। 13 से बढ़ाकर 20 से 25 सेंटर इस सप्ताह खुलने वाले हैं जहां पर वैक्सीन लगने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, अमेरिका से एक बहुत ही रोचक खबर आ रही है। दोस्तों अमेरिका में रह रहे अकेले बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने के बाद अपने प्यार की तलाश में जुट चुके हैं 4270 किलोमीटर। जी हाँ, आपने ठीक देखा है, 4270 किलोमीटर की दूरी तय करके बिहार रचने को जा रहे हैं अमेरिका के बुजुर्ग। लेकिन बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन हैं तो अभी भी ये जवान। और ये देखिए शीशा लेकर घूम रहे हैं और डेटिंग साइटों पर बुजुर्गों की संख्या 15% तक बढ़ चुकी है। और कोरोना वायरस के बाद जो बुजुर्ग हैं अमेरिका के, उनमें एक नई जवानी फूट पड़ी है, ये हम कह सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने जो कोरोना का तनाव देखा है उसको कम करने के लिए भी बुजुर्ग अब पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और पहले जो सिचुएशन थी, अमेरिका का बुजुर्ग अकेले रहकर खुश था, लेकिन कोरोना के कारण उसका माइंडसेट बदला है और वो चाहता है कि एक तो महिला उसके साथ हो ही। और इसी के चलते वो लंबी लंबी दूरी का सफर तय कर रहे हैं और उसी के चलते अपने शादियों को रच रहे हैं। ऐसी ही खबर आई है दक्षिण अमेरिका से। 60 साल के स्टीफन पास्की ने 4270 किलोमीटर की दूरी तय करके कैलिफोर्निया में रह रही 57 साल की मिस लैंड से 3 अप्रैल को ब्याह रचाया है। अमेरिका में 65 साल के 80% बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और अब जबकि हालात सामान्य हो रहे हैं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग अपने तनाव को कम करने के लिए जल्द से जल्द जीवन साथी पाना चाहते हैं। और ये जो तस्वीर है आपके सामने ही है। क्या कहना चाहेंगे अमेरिका की इस रोचक खबर के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में राय का जाहिर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना।